तो दोस्तों, आज मैं इस जो नया एक्रेलिक बेंडर है और लेटर मेकिंग के लिए, इसका मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी बताऊंगा और उसमें क्या नया फ्यूचर ऐड हुआ है वो भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और उसके बाद हम लेटर बनाएंगे, एक्रेलिक लेटर बेंडिंग राउंड में भी और स्ट्रेट में भी। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या नए फीचर हैं जो नया एक्रेलिक बेंडर आया है। इसमें इसका बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर इन्होंने ये सारा मेंशन किया हुआ है। देखिए, ये स्ट्रेट बेंडर है, एंगल बेंडर भी कहते हैं। ये है आर्क बेंडर और ये मशीन की फ़ोटो हैं दोनों, और ये इसके ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, जैसे वोल्टेज कितनी है, पावर कितनी लेता है और ये वगैरह वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये नई शेप में किस तरह से है। ये देखिए, इसके बाद ये है हमारा आर्क बेंडर। तो दोस्तों, ये है स्ट्रेट बेंडर, इसे ए टाइप बेंडर भी कहते हैं, और ये है हमारा आर्क बेंडर। ये लेटर को राउंड बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये एंगल बनाने के लिए यूज किया जाता है एक्रेलिक को। पुराने वाली जो मशीन थी वो कुछ इस तरह से थी। ये देखिए, इन दोनों में ये फ़र्क है। इसमें एक ये इन्होंने हैंडल ऐड कर दिया इस तरह से, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरह से दबाएंगे। पहले हम क्या करते थे, इसे हम इस तरह से प्रेस करते थे, अब ये इस तरह से प्रेस होगा। तो इसमें थोड़ा सा हीट लगती थी हाथों पे, अब इन्होंने इसको हैंडल ऊपर कर दिया है, अब हमें ज़्यादा हीट फील नहीं होगी। और इन्होंने जो ये हीटिंग प्लेट है ये भी इसमें चेंजेस किए, इसमें थोड़े से जैसे ये निशान छप जाते थे। और अब जो नया आर्क बेंडर है उसका ये हीटिंग प्लेट जो है कुछ एक डिफरेंट टाइप की बना दी है। अभी हमने यूज़ नहीं की, पर मैं अभी जब लेटर बनाऊंगा तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा और हम लेटर बना के भी देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। आई होप इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा क्योंकि काफ़ी इसमें अपडेट किया है। और ये 360 डिग्री रोटेट ये भी काफ़ी स्मूथ बना दिया है। और स्ट्रेट बेंडर में फ्रेंड्स सेम वही हैंडल यूज़ किया है इन्होंने, बट इन्होंने एक इसमें एक नई ऑप्शन बहुत अच्छी दी है, जो ये है लेवलर। यानी कि आपका आप पहले क्या होता था फ्रेंड्स, जैसे ये एक्रेलिक पट्टी है, इसको अगर हमने स्ट्रेट बेंड करना है तो ये कई बार इस तरह से टेढ़ी हो जाती थी पुरानी मशीन में, या इस तरह से टेढ़ी, और हमारा जो पट्टी है वो थोड़ी सी तिरछी मुड़ती थी। बट अब क्या है, तो अब हम इसका लेवल यहाँ पे देखेंगे जिससे ये बिल्कुल स्ट्रेट बेंड होगी। ये लेवलर से इसको हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा है, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन इन्होंने नए एक्रेलिक बेंडर में दी है। तो इसके बाद हम इसका लेटर बना के देखेंगे, इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये मशीन कितनी अच्छी है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है इसका। इसका रिव्यू हो चुका है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेटर इसके बना के दिखाऊंगा, दोनों मशीन से लेटर बना के देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।